ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नालों की सफाई के दौरान तालिबा को हरासा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा खातून के केएमसी अमले पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से केएमसी अफसरान की मुबैना ब्लैक से मुतल्लिक मदद की अपील कर दी है। मजीद जानेंगे साउथ बिन मुर्तजा से, जो इस वक्त उस मुतासरा खातून के हमरा मौजूद है। जी साउथ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजर नाले पर ऑपरेशन शुरू किया गया था और उस दौरान वहाँ पर जो घर थे उनको तोड़ा गया, उनको कंपनसेट करना था। वफाक ने जो किराए की रकम थी वो भी जारी की, लेकिन जो जिनके घर टूटे ना उनको प्लॉट मिले ना घर मिले, बल्कि मेरे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं जिनको उसके बजाय धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वो किस तरह, उन्हीं से जान लेते हैं। टूटने के बाद फिर वो ऑफिसर्स वगैरह आए कि मजीद हम लोग नहीं तोड़ेंगे, अगर आप हम लोगों से फ्रेंडशिप वगैरह कर ले, और पैसे की डिमांड उन्होंने पहले किए थे तो हम लोगों ने कुछ दिए थे और बकाया उनकी डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये कहा कि चलो नहीं कर सकते तो आप हमसे दोस्ती कर ले, आप फला जगह में हमसे मुलाकात करें और हम जो कहते वो आप हमारी बात सुन लें, बात मान लें, फिर आपका घर बच जाएगा। तो हम लोगों ने उनकी इज्जत की खातिर उनकी डिमांड नहीं मानी, हम लोगों ने मना कर दिया उनको। उनके बाद मना करने के बाद वो हम लोगों को इतना तंग करने लगे कि आए दिन एक ऑफिसर भेजते और मार्किंग करते, आए दिन एक ऑफिसर भेजते इतना जाएगा इतना जाएगा, और प्रेशराइज करते रहते। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या? अब आप इस जिस घर में रह रही हैं किसका, उसके बाद हुआ क्या जब आपने मना कर दिया? तो मना करने के बाद हम लोग ब्लैकमेल करने लगे और तंग करने लगे, और हम लोगों ने रेंट के घर पे आ गए। हम लोग इसके 25,000 किराया है। वो केएमसी के वो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह थे, आरिफ काजी और मसरूर थे। मसरूर पीछे से उनको कहते थे और वो करवाते थे, और उनके एजेंट जो छोड़े हुए थे गली में, इमरान करके नाम है, वो उनको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो उनको देते थे। बस सारे मैसेजेस वगैरह मौजूद है और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इनका हक था वो तो इनको मिला नहीं, उसके लिए दरबदर हो रहे हैं और अब एक किराए के घर पे अपने पैसों पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बदले इनको केएमसी के अफसरान जो है ब्लैकमेल और धमकियां दे रहे हैं। पर अब इन्होंने फैसला किया है कि उसका लड़ेंगी और साइबर क्राइम में जो है इसके खिलाफ एप्लीकेशन जमा